पूरी दुनिया में आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जा रहा है। साल 2010 से ये हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसका मकसद बाघों के संरक्षण को लेकर जागरूकता पैदा करना है। साल 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित एक शिखर सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने की घोषणा हुई थी। इस सम्मेलन में मौजूद कई देशों की सरकारों ने 2022 तक बाघों की आबादी को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया था। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप हैं क्वेरा प्लेस पर और आज हम बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर बाघों से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। वर्ल्ड वाइल्ड फंड माने WWF के अनुसार बाघों की संख्या 20वीं सदी के शुरू होने के बाद से अब तक 95% की कमी आई है। पूरी दुनिया में आज महज 3900 के लगभग बाघ रह गए हैं, जबकि 20वीं सदी की शुरुआत में इनकी संख्या 1 लाख के करीब हुआ करती थी। बाघों की संख्या घटने का बड़ा कारण उनका शिकार, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक ठिकानों और जंगलों में इंसानों की बढ़ती दखलंदाजी रही है। भारत ने बाघों के संरक्षण में बड़ी भूमिका निभाई है। भारत में बाघों को बचाने का प्रोजेक्ट 1973 में ही शुरू कर दिया गया था। इसके तहत कई टाइगर रिजर्व बनाए गए। इसका फायदा भी दिखा। हर साल 1973 से 74 में टाइगर रिजर्व की संख्या जहां 9 थी, वहीं अब ये संख्या बढ़कर 50 हो गई है। देश में लगातार बाघों की संख्या भी बढ़ी है। भारत में बाघों की आबादी 2014 में 1400 के करीब थी और 2019 में ये बढ़कर 2977 हो गई। आपको बता दें कि भारत के पास धरती का काफी कम हिस्सा होने जैसी कई बाधाओं के बावजूद यहाँ जैव विविधता का 8% हिस्सा है। वैश्विक भूमि का महज 2.5%, 4% वर्षा और विश्व की आबादी का 16% होने की बाध्यता के बावजूद भारत वैश्विक जैव विविधता के मामले में सबसे आगे है। दुनिया की 70% बाघ की आबादी आज अकेले भारत में रहती है। इंटरनेशनल टाइगर डे पर आइए जानते हैं बाघों के बारे में 10 दिलचस्प बातें। बाघों की गर्जना या कहें उसका दहाड़ना करीब 3 किलोमीटर तक दूर तक सुना जा सकता है। ये दिलचस्प तथ्य है कि किसी भी दो बाघ की धारियां एक जैसी नहीं हो सकती। दुनिया में कभी बाघ की 8 प्रजातियां हुआ करती थी, अब हालांकि 3 विलुप्त हो चुकी हैं। अभी साइबेरियन टाइगर, बंगाल टाइगर, इंडो चाइनीज टाइगर, मलायन टाइगर, सुमात्रन टाइगर जैसी प्रजातियां जिंदा हैं, वहीं बाली टाइगर, कैस्पियन टाइगर, जावन टाइगर विलुप्त हो चुकी हैं। बाघ अकेला ही रहता है और जिस क्षेत्र में रहता है वहां अपने विरोधी बाघ को दूर रखने के लिए अपना एक खास क्षेत्र तय रखता है। बाघ अगर अपनी पूरी क्षमता से दौड़े तो ये 65 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ सकता है। ये भी दिलचस्प है कि बाघ बहुत अच्छे तैराक भी होते हैं। बाघ के बच्चे जब पैदा होते हैं तो वे एक तरह से अंधे होते हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। हालांकि अगले 6 से 8 हफ्तों में उनकी दृष्टि बहुत साफ हो जाती है। बाघ की जंगलों में औसत आयु करीब 11 वर्ष रहती है। बाघ का वजन 363 किलोग्राम तक हो सकता है। ये पेड़ों पर भी आसानी से चढ़ने की क्षमता रखता है। हालांकि उम्र बढ़ने के बाद ये बहुत कम ही ऐसा कर पाता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाकर ऑल कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन।